बगैर जिम के, बगैर किसी फैंसी डाइट के, वो जो देसी हमारी डाइट होती है, रोटी चावल वगैरह, वो इस्तेमाल करके आप घर बैठे वजन कैसे कम कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम है हिमा चट्टा एंड आई एम आई कंसल्टेंट डाइटिशियन। अच्छा जी, पहला मसला हमारे यहाँ जो आता है, हमें समझ ही नहीं आते हमने पहला स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। दो कैटेगरीज होती हैं जनाब, एक वो लोग या दो फेजेस ऑफ डाइटिंग आप कह लें। सबसे पहला फेज ये होता है कि आप टेक्निकल स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे ना जाएं। अगर आपको लगता है, आप उन लोगों में से हैं कि आपको लगता है कोई बीमारी वगैरह नहीं है, जैसे PCOS हो गया या हाइपोथायरायडिज्म हो गया, कुछ लोगों का इसकी वजह से वजन ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आपने अपनी एग्जिस्टिंग डाइट का जो है ना 20% कम कर लेना है। वो अफराद उनको लगता है उनको वाकई ज़्यादा खाना खाने की वजह से वजन ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ टेक्निकल काम ना करें, चीनी निकालें, तली हुई चीज़ें निकालें और अपनी एग्जिस्टिंग डाइट का 20% कम कर लें। लेट्स से आप एक टाइम पे रोटी खा रहे हैं डेढ़ दो, अगर दो खा रहे हैं उसको 1.5 कर दें, 1.5 करें उसको 1 कर दें, महीना डेढ़ ऐसे चलाएं, फिर थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन साइज कम कर करके, जिस तरह आपने मेरी हर वीडियो मुझे कहते हुए सुना होगा कि रोटी आपकी 40 ग्राम हो पकने के बाद, आराम 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 से करते 40 ग्राम तक पहुँचें। जब आप 40 ग्राम की रोटी खाने के आदी हो जाएं और डिनर से रोटी निकालने के आदी हो जाएं, कि सुबह 40 ग्राम की रोटी लें, दोपहर 40 ग्राम की रोटी लें, रात को डिनर में सिर्फ प्रोटीन बेस्ड डाइट लें, जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो फिर आती है अब टेक्निकल डाइटिंग की बारी के फर्दर वेट अब कैसे गिराना है, क्योंकि यहाँ पर आके इस पैटर्न में फिर नॉर्मली आके फंस जाता होता है वजन। अब बात है टेक्निकल डाइटिंग पे। पहली बात रोटी से ही करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोगों को जनाब ये नहीं पता होता कि जो हमारा आटा है वो होल व्हीट है भी कि नहीं है, क्योंकि आटे अमूमन होल व्हीट नहीं होते। ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। आपने चेक कैसे करना है कि आपका आटा होल व्हीट है कि नहीं, रोटी बनाएं, उसको बनाने के बाद मक्खन नहीं लगाना, उसको पंखे के नीचे ऐसे रख दें, ठीक है, ढांपे बगैर प्लेट के अंदर पंखे के नीचे रख दें। अगर तो रोटी आपकी अकड़ के पापड़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो होल व्हीट आटा नहीं था, क्योंकि होल व्हीट आटे की खसूसियत ये होती है कि उसकी रोटी ठंडी यख हो जाएगी पर वो पापड़ कभी नहीं बनेगी, उसमें एक लचक, एक थोड़ी सी नरमी रहेगी। तो अगर आपका आटा, सबसे पहले आपने आटा चेक करना डाइटिंग में, आपका आटा जो है वो होल व्हीट होना चाहिए। उसके बाद आता है रोटी कितनी खानी है, आधी सुबह लें, आधी दोपहर लें, आधी से मुराद है कि पकने के बाद 40 ग्राम की जो हो ना, तो अमूमन हमारी जो एक बड़ी रोटी होती है ना तो उसका आधा अमूमन इतना बनता है, ठीक है। तो आधी रोटी सुबह ली, आधी दोपहर को ली और रात को रोटी, अगर तो आप मर्द हैं, ठीक है, अगर तो कोई मेल अफराद हैं जिसके लिए आप ये वीडियो सुन रही हैं, तो आपने मर्दों में अमूमन रात को रोटी ले भी ले तो मसला नहीं होता, ठीक है। औरतों के लिए स्ट्रिक्टली मना है रात की रोटी लेना, बिकॉज देखिए एनर्जी उतनी लें, कार्बोहाइड्रेट्स उतने लें जितने आप बर्न कर सकते हैं। रात की रोटियाँ खाए खवातीन की बॉडी बर्न नहीं करती, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको वर्कआउट डबल करने पड़ते हैं जो कि मुश्किल बात है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अच्छा रोटी बैलेंस होगी मर्दों और औरतों की कितनी लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में है नाश्ते को स्किप करना या कोई मील स्किप करना। अक्सर लोग जो जॉब वाले लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, या वो नाश्ता स्किप कर रहे होते हैं, या वो लंच स्किप कर रहे होते हैं, या वो दोनों स्किप कर रहे होते हैं। आपको पता है एक बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है ज़्यादा कम, ज़रूरत से ज़्यादा कम खाने से भी वज़न कम नहीं होता। ये बस हमारे दिमाग में एक बात बनी हुई है, कम खाने के वज़न कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा कम खाने से वज़न कम नहीं होता। आपने प्लीज़ जो रोटी है वो लाजमी लेनी है, उसको छोड़ने से कुछ भी फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं होता, आपको कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिएगा आपका वज़न फंस जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, कहीं भी नहीं जा रहा होगा एक्स्ट्रा कम खाने से। तो मील स्किप नहीं कभी भी करनी, नाश्ता लाजमी लेना है। सुन्नत में है कि नाश्ता जो है वो शहनशाहों की तरह हैवी लेना चाहिए, लंच उससे कम, डिनर में सिर्फ मैदे का एक हल्का सा पोर्शन फिल हो, इसलिए मैंने कहा कि रात से रोटी निकाल दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप रोटी खाएंगे तो ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद आपने नाश्ता जो है, नाश्ते बात करते हैं कि नाश्ता लाजमी करना है, कभी स्किप नहीं करना, नाश्ता करना सबसे ज़्यादा हैवी है। हैवी से मुराद ये नहीं कि डबल रोटी खा लेनी है इसमें, कि डबल रोटी से मुराद ब्रेड नहीं है, डबल एज इन डबल क्वांटिटी में रोटी, ठीक है। अच्छा ब्रेड की बात अगर करें तो ब्रेड नहीं लेनी, अक्सर लोग रोटी छोड़ के ब्रेड लेते हैं कि इससे वज़न ज़्यादा कम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी ब्रेड है वो कोई एक्स्ट्रा वज़न नहीं कम कर रही होती, ऑर्गेनिक देसी डाइट पर रहे। ब्रेड भी को भी मैं फैंसी चीज़ ही कहती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा पेशेंट को ये कहती हूँ कि भाई देसी डाइट खा के, अपनी दालें खा के, रोटियाँ खा के वज़न कम करो और ये हो जाता है। ब्रेड ना ले प्लीज़, रोटी ले, रोटी के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है प्रोटीन में एग ले लिया जाए, उसके बाद थोड़े से नट्स ले लिए जाएँ, छोटू सा फ्रूट का पोर्शन, पूरा सेब ना ना खाएं, डाइटिंग कर रहे हैं ना, पूरा सेब ना खाएं, छोटा सा सेब का टुकड़ा ले लिया, तो ऐसे करके आपका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद आपने एक खाने से दूसरे खाने के बीच 4 घंटे का गैप देना है, ठीक है। अब अगर आप नाश्ता करते हैं 6 बजे 7 बजे तो 4 घंटे का गैप देंगे, हम 7 बजे करते हैं, 7
आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बजे आपने स्नैक का टाइम है, आपने स्नैक लाजमी लेना है। अगर उसको तो आप नहीं लेंगे तो फिर वही बात है, वीकनेस भी होगी, फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं, वेट कम नहीं होता। उस टाइम पर स्नैक लें। उस टाइम पर सबसे अच्छा स्नैक जो आपका बनता है वो है फ्रूट। फ्रूट का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, दैट्स इट, जस्ट फ्रूट, नथिंग एल्स, नथिंग लेस, नथिंग मोर, ठीक है। उसके बाद फ्रूट ले लिया, वो आपके दो घंटे और गुजार देगा। तो वन से टू के करीब आपने लंच लेना है। लंच में फिर रोटी लें, सालन का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें। ना सिर्फ अच्छा है कि उसके अंदर फाइबर है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत बहुत बेनिफिशियल जो उसका असर है वो आपके स्किन पे है, नेल्स पे है, हेयर पे है, वो मल्टी वाइटामिन का बहुत बड़ा सोर्स है। सैलड के अंदर आप जितने मल्टीपल सब्जियां डालेंगे उसको फिर मल्टी वाइटामिन की प्लेट ही आप समझें। डिफरेंट सब्जियों के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मैक्सिमम सब्जी डालें, बेशक थोड़ी थोड़ी डालें, एक एक चम्मच, एक चम्मच प्याज, एक चम्मच टमाटर, एक चम्मच जो है गोभी डाल ली, एक चम्मच चॉप करके शिमला मिर्च डाल दी। मल्टीपल चीज़ें लेंगे तो उतना मल्टीपल फायदा होगा। मल्टी वाइटामिन्स का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका मिक्स वेजिटेबल सैलड। अच्छा, उसके बाद आपने 1 o'clock अगर लंच कर लिया तो एक के बाद दो तीन चार पाँच, पाँच बजे स्नैक का टाइम आता है। अच्छा, अब ये वो टाइम है जहाँ मैं कहती हूँ कि इस टाइम के बाद से डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह कुछ पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर आपको भूख लगेगी, आपका दिल करेगा कि मैं कुछ चीज़ बना के खाऊँ, कोई बड़ी सी चीज़ हो, क्योंकि इस वक्त आप टेक्निकल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस टाइम पे थोड़ा फारिग होते हो, ऑफिस से तो आपको घर जाने का टाइम आ रहा होता है, ठीक है, इस टाइम पे लग रही होती है एक्स्ट्रा भूख। उस टाइम पे नट्स खाएं, ठीक है, नट्स खाएं, चिया सीड्स लाजमी इस्तेमाल करें, बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। चिया सीड्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं, पानी में डाल के भिगो के एक चाय का चम्मच वो पिया। उसके बाद इंजीर खाए दो, इंजीर से क्या फ़ायदा होता है, पेट, ये पेट की बातें बता रही हूँ, पेट ठीक हो रहा है, जो आपको ये वाला मिला है पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद नट्स का स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये चार पांच चीज़ें आपका जो है अगला दो घंटा निकाल देंगे डिनर तक का। अच्छा, ये भी लाइट देने का एक और बहुत बड़ा मकसद है। जितना खाली पेट होके आप लोग वॉक करेंगे उतना फ़ायदा होता है। दिन में अमूमन वॉक करने का, मेरा अभी तक पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस यही है, हम लोगों को दिन में वॉक करने का टाइम नहीं मिलता। रीज़न बीइंग कि अगर घर में, इवन घर में स्टेइंग एट होम मदर भी है तो वो भी दिन के टाइम बिजी है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड को भेजना है, बच्चों को भेजना है, फिर बच्चों के वापस आने की तैयारी करनी, फिर हस्बैंड ने 5 बजे आ जाना, उनके वापस आने की तैयारी करनी है, तो 5 बजे के बाद अमूमन फ्री होते हैं, ठीक है। तो वर्कआउट करने का दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, तो 5 बजे का मील इसलिए भी छोटा लेना है ताकि उसके बाद पेट खाली रहे और आप 7 बजे वर्कआउट करो और 8 बजे डिनर करो। डिनर से बिल्कुल पहले वर्कआउट करें। वर्कआउट आप जितना खाली पेट करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। खाली पेट वर्कआउट करना मुश्किल होता है, यस, पर अगर आप वर्कआउट से पहले, वो हम कहते होते हैं ना अक्सर कि एनर्जी आ जाए, तो वर्कआउट से पहले एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी बॉडी में आ जाए तो आप कुछ कोई ना कोई छोटी मोटी खा लेते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप कुछ खा के वर्कआउट करते हो तो पता है क्या नुकसान होता है, आपके वर्कआउट के अंदर जो कैलोरीज बर्न होती हैं तो अमूमन उसी फूड की होती है जो पहले लिया होता है। अक्सर लोग जूस पीते हैं या फ्रूट खा लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेके किया वो वर्कआउट, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वर्कआउट होना चाहिए खाली पेट, खाली पेट ऐसे कि जब आप खाली पेट वर्कआउट करोगे तो बॉडी को वर्कआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बॉडी कहाँ से लेगी, बॉडी पुरानी एनर्जी निकालेगी। वर्कआउट में गोल यही होता है कि बॉडी किसी तरह पुरानी एनर्जी निकाले। अच्छा, उसके बाद वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट से पहले लाजमी ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, एक चाय का चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आम कॉफ़ी पाउडर गर्म पानी में डालकर पी लेना है। आई नो ये कड़वा होगा, पर थोड़ा सा कड़वा घूंट है जो आपको लेना पड़ेगा वेट लॉस के लिए, पर इससे आपकी चर्बी जो है बॉडी की वो बहुत अच्छी कैलें बर्न होती है। आपने वर्कआउट कर लिया, उसके बाद आते हैं डिनर पे। डिनर के अंदर अगर तो आप, अगेन वही फर्स्ट वाला पॉइंट, अगर तो मर्दों के लिए आप, अगर हमको फीमेल सुन रही है, मर्द सुन रहे हैं, अगर आप मर्दों के लिए सुन रहे हो तो आप फिर रात को आधी रोटी चले उनको दे देनी है, ठीक है, ओकेजनली एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर फीमेल सुन रही है तो आपने रोटी नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपने हस्बैंड को रोटी देनी है, भाई को रोटी देनी है, आपने रोटी नहीं लेनी रात को। रात को कोशिश करें प्रोटीन बेस्ड को चीज़ लें। पूरे दिन में हमारा प्रोटीन बैलेंस नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है, तो रात का जो मील है दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू कैन मैनेज योर प्रोटीन। क्योंकि हर फूड ग्रुप का अल्लाह ने जिसम में एक मकसद बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स का और फंक्शन है, फैट्स का और फंक्शन है, प्रोटीन का एक अपना फंक्शन है जो कि अमूमन हम ले ही नहीं रहे होते या बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं ले रहे होते। कभी ले लिया, कभी ले नहीं लिया, दिन में मतलब आज ले लिया प्रोटीन, परसों नहीं लिया, कल ले लिया, ऐसे करके इम्बैलेंस्ड प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आपने लास्ट में लेनी है और वो लेने का सबसे अच्छा टाइम है आपका डिनर। डिनर के अंदर आप दालें इस्तेमाल करें, आप चिकन इस्तेमाल करें, आप फिश इस्तेमाल करें, ओकेजनली, वेरी ओकेजनली हफ्ते में एक आध दफ़ा आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप जितना मर्जी उसको साफ करवाएं उसके अंदर चर्बी रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर चर्बी पैदा की है, आप उसको निकाल नहीं सकते, उसकी रेशो के अंदर चर्बी है, वो हाई फैट ही रहता है जितना मर्जी आप साफ करा लो, ठीक है। तो रात को आप सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप बनाएं, बेशक चिकन सूप बनाएं, बेशक आप कबाब्स लें, बेशक कोई भी चिकन की वेरिएशन करके लें, नगेट्स बनाएं, एयर फ्राई कर लें नगेट्स को, आप तेल में ना तलें तो वो भी ठीक होते हैं।
प्रोटीन का पोर्शन लिया, उसको सैलड के साथ बैलेंस किया और रात सोने से पहले ग्रीन टी ले ली। उसके बाद रात सोने पे लाजमी बात मैं करूँगी, क्योंकि जो लोग रात को नहीं सोते वो कुछ भी कर लें आपका वज़न कुछ हद तक तो गिर जाएगा, उसके बाद फंस जाता है। बिकॉज बॉडी को रात की नींद, रात का सुकून, रात की, क्योंकि जब वैन यू स्लीप एट नाइट तो बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, जो दिन में डैमेजेस हुए होते हैं बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, तो वो रिपेयरमेंट वाला टाइम बॉडी को चाहिए, बॉडी नीड्स दैट। तो रात 11 मैक्सिमम 12 करें, प्लीज इससे ऊपर मत जागें। 8 o'clock डिनर करें, और वैसे भी डिनर के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद सोना चाहिए, तो 8 o'clock डिनर करें तो 10 से 11 के बीच आप सो सकते हैं, ठीक है। और रात सोने से पहले आपने सिंपल ग्रीन टी पी लेनी है। ये एक सिंपल सी रूटीन है जो एक नॉर्मल हमारे देसी डाइट पे ही मुनहसर करती है, सिर्फ इसको लेने का तरीका है और एक मैनेजमेंट है। इस तरह से आप लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। चीनी का, मीठे का, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का जो हम पी रहे होते हैं रोज़मर्रा रूटीन में, पानी समझ के पी रहे होते हैं, उसका एहतियात करनी है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटू सा, जो बहुत गलती होती है, चाय और दूध का इस्तेमाल। रात सोने से पहले दूध नहीं पीना प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, बर्न कभी भी नहीं होंगी, कंप्लीट स्टोर होंगी। आपने दूध पिया, 150 कैलोरीज ली और आप बेड पे सो गए, कहाँ गई वो सारी स्टोर होनी है, ठीक है। उसके बाद चाय मना नहीं होती, चाय आप पिए, छोटा कप पिए, छोटा कप, 2 घूंट ऊपर अंदर दूध डले, छोटे कप 2 घूंट दूध से बन जाते हैं, और चीनी के बगैर हो या उसके लिए स्टीवे वगैरह इस्तेमाल कर लें। इस तरह से चाय लेंगे तो गुजारा है, अगर दूध पत्तियां लेंगे तो बात फिर वही है। बड़ी मुझे हंसी आती है, एक पेशेंट से पूछूं आप दूध पीते हैं, जब आप डाइटरी हिस्ट्री ले रही हूँ पेशेंट से, तो कहेंगे नहीं पीते, पर चाय वो दिन में 3-4 दफ़ा पी रहे होते हैं और दूध पत्ती पी रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आप एक लीटर दूध, हाफ लीटर दूध कम से कम दूध पत्ती की या चाय के सूरत में ले चुके होते हैं दिन में। तो पूरे दिन की डाइटिंग के बाद अगर आपकी चाय के दूध इकट्ठा हो के उसकी कैलोरीज बन रही है कोई 200, तो वो कौन बर्न करेगा भाई, वो बर्न नहीं होनी है आपसे। इसलिए जब भी चाय लें तो छोटा कप लें, 2 घूंट दूध लें, चीनी, शहद, शक्कर का इस्तेमाल मत करें उसके अंदर, और स्टीविया ऐड करें। तो ये थी वो चंद टिप्स जो मैं वेट लॉस के मुताबिक देना चाह रही थी। आपका कोई भी सवाल हो या आप और रहनुमाई चाहते हैं या आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कोई सवाल आपके माइंड में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर इंशाल्लाह आप चाहें तो वीडियो भी बन जाएगी, कोई कन्फ्यूजन रहेगी हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।